नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लक्ष्मी चौक के स्टेशन पर वह हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चल रहा है। अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हम ये नोट कर रहे थे कि आवाम की ज़ेर इस्तेमाल आने से पहले ही इसको टूट फूट का शिकार हो चुका है और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये टूट रही हैं, लेकिन अभी आवाम ने इसको यूज़ करना है। किस तरह से अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कितना रहता है, क्या क्या चीज़ की इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुकी है, आइए ऊपर चलते हैं और सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, ये वही स्टेशन है जहां मई के महीने में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ऑरेंज लाइन ट्रेन का टेस्ट रन करके गए थे, टेस्ट रन का इफ्तिताह करके गए थे और इस स्टेशन की सूरत हाल से हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा है, सीढ़ियों में हमने आपको दिखाया कि सीढ़ियाँ अभी से टूट रही हैं, दरवाज़ों में जंग लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो सिक्योरिटी का हमला हमें नज़र आ रहा है और ना ही मेंटेनेंस का हमला हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मेंटेनेंस नहीं होगी, यहाँ पर सफाई सुथराई का काम नहीं होगा तो अच्छे खासे खिड़की को या फिर इस तरह के जो सामान है उसको जंग लग सकता है, ये नुकसान आवाम का ही है। अल्टीमेटली मदीहा, बहुत अच्छे पॉइंट आपने निशानदेही की है कि जब इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो अल्टीमेटली ये जो सारा सामान लगा है ये ख़राब हो चुका होगा, ख़राब हो जाएगा। जब शहबाज शरीफ यहाँ पर उतरे थे टेस्ट रन करके तो ये जगमगा रहा था, आप आज देखें आज उल्लू बोल रहे हैं, यानी वो जो चमन को संभालने वाले नहीं रहे तो चमन भी उजड़ गया है। तो अब इसकी तो टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली जितना भी इस प्रोजेक्ट में डिले होता जाएगा, एक तो वो चीज़ जो कि सबको रोज़े रोशन की तरह यहाँ नज़र आती है कि लागत में इजाफा होगा, तो लागत में इजाफे के साथ साथ ये भी सब उजड़ जाएगा अगर इसकी मेंटेनेंस ना की गई। यही वजह है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया है, इस जगह पर एक तिनका नहीं पड़ा होता था जहाँ पर आज ईंटें पड़ी हुई हैं, सफाई जो थी वो यहाँ पर हमें नजर आती थी। ये एक एक मैंने यहाँ पे दो लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक? यहाँ पर हिफाजत के लिए है, मेंटेनेंस के लिए है, सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी की बात से, सिक्योरिटी सिक्योरिटी मिल रही है जी? कितना अमला है सिक्योरिटी के लिए इस स्टेशन पर? इस पर चार है जी। चार पूरे स्टेशन पर? काफी है ये चार? चार नहीं, कम है, पुलिस वाले भी है। अच्छा जी, तो सिक्योरिटी मुकम्मल है? मुकम्मल है। इसके अलावा सफाई का क्या निज़ाम है? सफाई आज तो कुछ नहीं हुई। अच्छा, अच्छा एक सवाल का जवाब दें, सफाई ना होने की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको कितना नुकसान पहुँच रहा है? नहीं अभी नहीं कोई भी नुकसान, बस खाली टाइलें पड़ी हुई हैं। अच्छा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब्दुल्ला साहब, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, हम आवाम को भी साथ साथ आगाह कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान चीन की यहाँ पर झंडियाँ भी लगी हैं, ये वही पाकिस्तान चीन की झंडी है, जब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने इफ्तिताह किया था तब यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन थी और काफ़ी गहमा गहमी थी, काफ़ी लाइट थी, एसी था। हमें बड़ा खुशी हुई मुझे देख के कि अब आने वाले 5-6 महीनों में मैं ट्रैवल करूँगी ऑरेंज ट्रेन पर। देखिए मुझे आपको अप्रिशिएट करना है कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम आपने ही दुनिया न्यूज़ ने, लाहौर न्यूज़ ने इस ऑरेंज लाइन पर किए हैं और लोगों को अवेयरनेस दी है। आप ही ने ये दिखाया था कि आज जो है ना इसका इफ्तिताह हो रहा है और उसी दिन जो माल रोड पे बैनर लगे हुए थे उन्होंने कहा जी ये मनसूबा दिसंबर 2018 के दिसंबर तक मुकम्मल होगा। देखिए जब आप कौम से झूठ बोलेंगे, पहला झूठ क्या बोला कि जी पैक का हिस्सा है, वो कहते हैं हम झूठ नहीं बोला, अगर स्टे ना होता तो हम मुकम्मल कर लेते, नून लीग ये कहते। तो एक मिनट कहने दें, पहला झूठ बोला कि सी पैक का हिस्सा है, दूसरा झूठ बोला कि ये गिफ्ट है, ना तो ये सी पैक का हिस्सा था ना गिफ्ट था, ये लोन है। लेकिन जब लोन है, लोन किसको पे करना है? तो इन दो बातों पे तो जैन मुत्तफिक करना अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये सॉफ्ट लोन है, ये 165 अरब रुपया हमने आहिस्ता आहिस्ता पे करना है। और ये तो जब इसका तो खैर इन्होंने मुआयदा लीक आउट ही नहीं किया, ये तो जब इसका मुआयदा लीक आउट होगा तब पता चलेगा कि सॉफ्ट लोन है या हार्ड लोन है। ये सी पैक का भी हिस्सा नहीं है उस दौर में। वहीद गुल साहब, ना तो ये सी पैक का हिस्सा है जो आपकी दौरे हुकूमत में कहा गया और ना ही ये गिफ्ट है, ये सॉफ्ट लोन है और सी पैक का हिस्सा भी नहीं है, कैसे काउंटर जवाब दें? ये गिफ्ट इस सेंस में बनता है कि कोई दुनिया का बैंक जो है वो आपको इस तरह से कर्जा नहीं देता कि 20 साल के अंदर आपने इसकी अदायगी करनी है और उसके अंदर जो है वो ग्रेस पीरियड भी 7 साल का जो है। अच्छा। वो शामिल है इस बात के, जैसे जैसे आपने जवाब दे दिया है, जैसे जैसे आपने जवाब दिया ये 9% पे लोन है, कोई 0.6 नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात यह हम वो बात कर रहे हैं जो इनकी हुकूमत ने हमारे जो केसेस थे उनके एडवर्ट्स में रिप्लाई में जमा कराए हैं, जो अदालत के डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मेरे भाई साथ खड़े हैं, मेरे सवाल का जवाब ले लें, सी पैक का हिस्सा कैसे है ये? देखिए सी पैक का हिस्सा उस सेंस में तो नहीं है कि जो हमारे नहीं है सी पैक का हिस्सा, हमारे अवामी नुमाइंदे थे, बड़े अच्छे उन्होंने काम किया, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, हमारी पॉलिटिकल वर्कर क्लास में इनसे पूछिए क्या ये बिल टेबल हुआ है असेंबली के फ्लोर पर आया है,
फिर अगर तो आया है, डिबेट हुआ है, डिबेट होने के बाद एक्निक में गया है, सेंटर में गया है, इसको कोई प्रोटेक्शन हासिल थी, ये सारे प्रोसेस नहीं हुए। अच्छा ये ना इन्होंने तो, ये मेरे भाई चूंकि मीडिया से गवाही देंगे कि जब इन्होंने ये मंसूबा बनाया, इन्होंने बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट था वो था ही गलत। इन्हें तो पता चला था कि जो हमारा ये इदारा है ट्रांसपोर्ट का, ये तो बना ही नहीं सकता। फिर इन्होंने ये मौजूदा इदारा बनाया है, फिर उसके अंदर बनाया है। देखें प्रोजेक्ट को लाने के लिए एक इदारा भी बनाया गया। नाज़रीन ऊपर चलते हैं, हमारे मेहमान भी साथ होंगे और ऊपर की सूरत हाल से आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे जो मेन ऑरेंज लाइन का ट्रैक है वो किस तरह का है। आइए नाज़रीन, इस वक्त लक्ष्मी चौक के ऑरेंज लाइन ट्रेन जो कि स्टेशन है उसके टॉप फ्लोर पे हम मौजूद हैं। थोड़ी सी आपको मैं यहाँ से ओरिएंटेशन दे दूँ कि किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो कर लिया गया है, कितने परसेंट रह गया है। ये वही स्टेशन है, यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर मई के महीने में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताही रन का आगाज़ करके गए थे और जो टेस्ट रन है उसकी इफ्तिताह इनोग्रेशन उन्हीं के हाथों हुई थी। और यहाँ तक ट्रेन की पटरियों पर दौड़ती हुई ऑरेंज ट्रेन भी हमने देखी। अब ये आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मेयार का मंसूबा है। यहाँ पर जब ट्रेन आएगी और यहाँ पर हम लोग खड़े होंगे, आप में से कुछ लोग खड़े होंगे, तो ये दरवाजे बंद होंगे, ट्रेन यहाँ पर आके रुकेगी, ये दरवाजे खुलेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं यूरोप में वैसी ही ये ट्रेन है। इसकी पटरियाँ आप देखें कि आम ट्रेन की तरह मोटी पटरियाँ हैं और यहाँ पर अभी काम असेंबलिंग का काम जो है वो चल रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो है बिछाई जा रही हैं और थोड़ा सा काम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हो रहा है। जैन काम तो यहाँ पे हो रहा है, तो ये वो कौन से इंजीनियर्स हैं, क्योंकि हमने देखा है जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी तो पेमेंट्स रोक ली गई हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही, तो ये लोग कौन है जो काम कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा मदीहा, ये इस वक्त जो काम हो रहा है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एंड टेक्निकल वर्क्स, और ये जो सारा काम है ये चाइनीज कंपनी सी आर नोरनको कर रही है, जिनको 100 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब ये जो मैकेनिकल टेक्निकल काम है इसके साथ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑलरेडी जब इसकी बिड ओपन हुई थी ये सी आर नोरनको को दे दिया गया था। अब आप देखें, मैं आपको नीचे भी वो बता रहा था कि 100 अरब रुपया वो इन पटरियों का और इन जो इंटरनेशनल मेयार के, ये आप अभी आपने बताया कि ये जो हर्डल्स लगाई गई हैं ये इनके हैं, और आप देखें कि इनकी फिनिशिंग का काम बहुत बाकी है। अगर आप भी घर की तमीर करवाएं तो इतना सिविल वर्क में टाइम नहीं लगता जितना उसके बाद आपको उसकी फिनिशिंग में काम लगता है, क्योंकि आपने इसको खूबसूरत बना के दिखाना है। तो अल्टीमेटली ये वो स्टेशन था जो कि सबसे पहले तैयार हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आकर ट्रेन ने रुकना था। अगर पिछले स्टेशन की सूरत हाल देखी जाए तो उनका तो अभी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली उनकी अभी फिनिशिंग के ऊपर टाइम लगता है। शहबाज शरीफ साहब ने आना था तो यहाँ पर ज़्यादा काम हो चुका है पिछले जो दूसरे दीगर स्टेशन की निस्बत। क्या कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले स्टेशन से लेकर और लक्ष्मी तक जो है वो सफ़र किया है, उनके आने का ताल्लुक नहीं है इस बात का। बात यह है कि ये ज़रूर है बात कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने लक्ष्मी चौक पर जब इसका इफ्तिताह किया था तो ये ऐलान किया था कि अगले 6 माह के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कम्प्लीट करेंगे, लेकिन अब वो शहबाज कहाँ से लाऊँ जो ऑरेंज ट्रेन जो है वो चलाए। शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना, आप जलते थे शहबाज शरीफ साहब से जो इतने स्टे लिए आपने? हमें अफसोस होता था कि जब करप्शन की कहानी हम सुनते थे, जब इसमें पता चलता कि क्या किस बैग से इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा इन्होंने दोनों अदवार में मेगा प्रोजेक्ट बनाए, पुल बनाए, ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें किकबैक ज़्यादा। अब ये जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है इतने भी ज़्यादा पैसे हैं, एक प्रोजेक्ट बना लो। अब मुझे ये बताएं कि एक दफ़ा हम सुना करते थे किस ज़माने में कि मंसूबे हवा में बनते हैं, आज मैं जब आपके प्रोग्राम के में खड़ा हूँ तो मुझे वाकई नज़र आ कि ये हवा में बना हुआ है, कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है। अब आवाम को तो इसकी तकलीफ ना दीजिए, अब ये हाल बताइए, ये हाल बताइए कि अब आवाम को ये कब तक यूटिलाइज कर सकती है आवाम इसे? देखिए, हम इस गवर्नमेंट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि लोग क्यों सफ़र करें, 3 सालों से लाहौर ये सफ़र कर रहे हैं, अब हम नहीं होने देंगे। सफ़र उर्दू वाला ना, एक इंग्लिश वाला, तो जो जो इंग्लिश उर्दू वाला सफर है उसको भी करिए, हमने इसके अंदर सफर करना है, हमने इसके अंदर बैठना है। उर्दू वाले में वाम सफर कर रही है, इंग्लिश वाले में मुल्क सफर कर रहा है। हमारी रिक्वेस्ट मौजूदा गवर्नमेंट से ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस बड़े मंसूबे को अब मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, ये टैक्स मनी इन्वॉल्व है, जब टैक्स पेयर का पैसा होगा। ठीक है, आपने कहा कि इसको हमारी कोशिश ये होगी कि इसको मुकम्मल होना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपके पास क्या है, उनकी जानब प्रेशराइज करने के लिए, उनको जरा गेयर अप करने के लिए आपके पास क्या है, सिविल सोसाइटी के पास क्या है? देखिए, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में जितना रिक्वेस्ट करेंगे उनके ऊपर केसेस वेसेस देंगे। अगली बात, पहली बात है उनको रिक्वेस्ट करेंगे जितना मेगा प्रोजेक्ट है उनको चलते रहना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद भी बहाल रहे और जो लोकल इन्वेस्टर है उसका भी। जब हम उनको डराएंगे कोई वे होगा लीगल, ये है कि जहाँ भी हमें देखिए ट्रांसपेरेंसी पे हमने रिट फाइल कर रखी है, अगर
इनकी हुकूमत भी पीटीआई की हुकूमत भी ऐसे ही काम करेगी जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, हम उनके खिलाफ भी रिटे फाइल करेंगे, सिविल सेट नहीं करते कुछ। मैं ये जो ये सोसाइटी है ये एक जिस्म दो जान की मानद है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसलिए आप ये फिक्र ना करें कि कोई ये उनके खिलाफ स्टे लेकर आएंगे। बदकिस्मती से ये स्टे जितने भी लेकर आए हमारे खिलाफ लेकर आए हैं, और चाहे वो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा हो जिसको 22 माह अदालतें तो आपकी भी हैं, जेल रोड अदालतें तो आपकी भी हैं, अदालतें इनकी भी हैं, उनके मुताबिक आप काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया हुआ है ना इसके ऊपर कि इसको काम को जल्दी शुरू करवाएं, लेकिन आप यहाँ देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा बिल्कुल। ये हमें नहीं लगता कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों से गुजारिश करूंगी कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा आवाम के पर्सपेक्टिव से मद्देनजर रखते हुए आपने एक हल देना है कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा हल हो जाए, बिला ताक किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर जो भी आपका पर्पज़ है, जो भी आपकी जॉब है उससे आपने बिलाए ताक रखते हुए एक हल देना है। हम जर्नलिस्ट हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम लाहौरी हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो इसके लिए क्या हल है आपके पास? सबसे पहले तो इसकी स्टीयरिंग कमेटी को बहाल किया जाए, इसका सरबरा अपॉइंट किया जाए क्योंकि इस वक्त बेयारो मददगार है, इसके फंड्स जारी किए जाएं, और स्पेशली जिस तरह इमरान खान साहब दीगर मंसूबा जात के लिए टास्क फोर्स तश्कील कर रहे हैं, 10 लाख घर बनाने हैं टास्क फोर्स बना दी गई, तो इस ऑरेंज ट्रेन को भी बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाएं, क्योंकि ये लाहौर की आवाम भी चाहती है, ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ भी इसके ऊपर मुतफिक है, और हमारे मौजूद जज चीफ जस्टिस साहब ने भी इसके ऊपर ऑर्डर दे दिया, तो ये तीन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि ये इस पर काम तामीरती काम तेज़ से शुरू। हल देना है, तनकीद नहीं करनी। जी मैं तो हल यही दे सकता हूं कि अब ये जितना मंसूबा बन चुका है और इसको सक्सेसफुली चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो हुकूमत की ज़रूरत है वो उसके ऊपर वो पूरा उम्मीद पे पूरा नहीं उतर रही, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई सोलो मोटर और लिए हैं इसके ऊपर भी एक मरतबा फिर लेने की जरूरत, बल्कि चीफ जस्टिस साहब को मैं अपील करूंगा कि वो खुद आकर यहाँ सोलो मोटर आपकी हुकूमत के खिलाफ आ गया तो वो ये नहीं, वो उनका खुद से फैसला है, इसके ऊपर उनका फैसला है, उनको खुद आकर यहाँ पर विजिट करना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, कौम के पैसे की किस तरह से बर्बादी हो रही है, कोई काम जो है। चीफ जस्टिस साहब को इन्वाइट करते हैं कि आप आए और देखें और जिसके खिलाफ भी एक्शन बनता है ले। जी बिल्कुल, वरना अगर हम आए तो फिर हमारा अंदाज़ तो फिर आने का कुछ और ही होगा, अगर ये अगले 3 माह के अंदर हमें यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र ना आया तो इसके ऊपर फिर सदाए एहतजाज ज़रूर हम बुलंद करेंगे, क्या करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, वो फिर हम बताएंगे कि उसका क्या तरीका कार होगा। यानी आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन को मॉनिटर करना है ओपोजिशन में रहते हुए? बिल्कुल, हम तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से रात दिन लग के इसको मुकम्मल किया है, हम इस तरह के कौमी मंसूबे को पसे पुष्ट नहीं जाने देंगे, कौम के पैसे का ज़िया जो है वो नहीं होने देंगे, बल्कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं अब्दुल्ला साहब से कहूंगा कि ये हमारी हुकूमत के अंदर जिस तरह से ये हमें क्रिटिसाइज करते थे, अदालतों में जाते थे, आज खुदारा इस कौमी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो वहीद गुल साहब ने बात की है खुशाइन बात है, आपको लगता है? मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं 2-3 चीज़ें बिल्कुल जरूर इनको सेकंड कर पाऊंगा। पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद इस चीज़ को एतमाद दिल में लेना चाहिए ताकि फाइनेंसर को अभी कोई शक को शुबात नहीं रहेगा, इन्वेस्टर की दूसरी हम चाहते हैं इमरान खान साहब खुद मैदान में, बिल्कुल इसलिए कि ये आवाम के टैक्स से मनी है। दूसरी बात यह है कि आपके ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस से आपके जो है ना किसी पॉलिटिकल रिवलरी या रंजिश की बू नहीं आनी चाहिए इस मंसूबे। और तीसरी बात हम ये अहम कहेंगे कि जितनी जल्द हो सके इस पे, जैसे हमारे दोस्त शेख साहब ने भी कहा स्टैंडिंग कमेटी बन चाहिए, कैबिनेट की पहली और तीसरी मीटिंग में फर्स्ट एजेंडा होना चाहिए, और इसको शॉर्टेस्ट पीरियड में जो मेरे खर्चात तो 2020 तक हैं, लेकिन अगर हुकूमत चाहे इन्वेस्टर को फिनांसर को प्रोटेक्शन ऐसा माहौल प्रोवाइड करे। हुकूमत का यह भी मौका है कि खजाने खाली हैं। जी हुकूमत वो तो कह रही है, लेकिन देखे ना जब आप इसको चलाएंगे नहीं तो इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इसकी कॉस्ट मुझे और आपको रीपे करनी पड़ेगी। इससे आपकी सजेशन है और अलावा कुछ इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसके अलावा जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सियासी रंजिश की नजर नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल ट्रांसपेरेंसी करें, इंतकाम ना लें, इंतकाम की भू नहीं आनी चाहिए, इत्तेसाब करना हक है, हमारी डिमांड भी। वही गुल साहब के बाद जो अब्दुल्ला साहब ने बात की है वो भी बड़ी सलीक वाली बहुत अच्छी बात की है। मदीहा ट्रांसपेरेंसी
लाजमी होनी चाहिए, ऑडिट लाजमी होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट करें, आप इसका उखाड़ पिछाड़ दें लेकिन काम ना रोकें। हमारी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको मुकम्मल करें, इसका मुकम्मल होना हम सब के लिए जरूरी है। अच्छा, अब्दुल्ला साहब ने अभी एक बात की है, आखिरी सवाल आपसे जानूंगी कि इमरान खान साहब को जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है उनको खुद मैदान में आना चाहिए, क्या वो आएंगे? ये तो इमरान खान साहब के स्वाबदीदी इख्तियार आता है कि वो आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मेरी ये सुजेशन है कि उनको लाजमी आना चाहिए क्योंकि इस वक्त अदम एतमाद है एग्जिम बैंक ऑफ चाइना का और जो जिन्होंने इसके लिए लोन दिया है, जब तक वो इसको एतमाद में लेंगे तब तक वहाँ से कर्ज जारी भी नहीं होगा और उनके जो वो कर्ज जारी करते हैं उसकी वजह से मदीहा ये ऑरेंज ट्रेन बन रही है। अगर वहाँ से पैसे नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली हमारे खजाने तो कभी भी इस काबिल नहीं रहे, क्योंकि जो भी हुकूमत आई उसने आके यही एतराज़ किया कि खजाना खाली। हाल ही में वजीर खारजा ने भी जो डेलीगेशन था उनसे मीटिंग की, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। बिल्कुल, मैं हमेशा से इस चीज की निशानदेही कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तब से ऑरेंज ट्रेन को गैर संजीदा लिया गया, हालांकि जब साबिक दौरे हुकूमत था, शहबाज हुकूमत थी और ऊपर नून लीग की हुकूमत थी, तब किसी भी जगह पर अगर बात होती थी तो ऑरेंज ट्रेन की होती थी, अपने जो चीजें अपना क्रेडिट गिनवाना होता था तो ऑरेंज ट्रेन से शुरू किया जाता था, मगर जब से ये हुकूमत आई है किसी भी जगह पर ऑरेंज ट्रेन का नाम नहीं लिया गया, मां सिवाय ऑडिट के कि पहली कैबिना का इजलास होता है हम इसका ऑडिट करवाएंगे, अगली कैबिना का इजलास होता है हम इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, अब खान साहब को चाहिए कि तीसरी कैबिना का इजलास बुलाएं और कहें कि हम इसको मुकम्मल करेंगे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, देखें ये टैक्सेस मनी है, अवाम का पैसा है, ये शहबाज शरीफ साहब ने पॉकेट से नहीं लगाया, लिहाजा इस मंसूबे को मुकम्मल करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, कोई भी हुक्मरान हो। बहुत अच्छी बात की शेख जैन आपका, वहीद गुलजार साहब आपका और अब्दुल्ला मलिक साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आज आपने ए से लेकर जी तक तमाम एस्पेक्ट पे हमने बात की है और किसकी क्या नेगलिजेंस थी, गुज़श्ता हुकूमत ने क्या किया और मौजूदा हुकूमत कितनी संजीदा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, ये तमाम चीज़ें हम जेरे बहस देकर आए हैं। एक मरतबा फिर मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैक, आप देख सकते हैं लक्ष्मी चौक का ये ट्रैक है और यहाँ से दौड़ती हुई ऑरेंज ट्रेन जो है यहाँ तक आई थी जब मई के महीने में इसका टेस्ट रन का खिताब वजीर आला पंजाब, साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किया गया था। अब सवाल यह है कि कब यह बहाल होगी, आप और हम कब इस लग्जरियस राइड में सफर करेंगे और एंजॉय करेंगे। आज की टॉप स्टोरी से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।